नमस्कार, आप देख रहे हैं एबी न्यूज और मैं हूं नेहा आपके साथ। लोजपा सांसद चिराग पासवान कल राजभवन को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। ऐसे लोजपा सांसद चिराग पासवान कल बिहार सरकार की नाकामियों को लेकर राजभवन को ज्ञापन सौंपेंगे और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में शामिल होंगे। कल के राजभवन मार्च को लेकर राजधानी के सभी चौक चौराहों पर पोस्टर बैनर लगाया जा रहा है। कार्यकर्ता पूरी तरह से तैयार हो रहे हैं। लोजपा रामविलास के नेता राम परवेश यादव भी पूरी तरह तैयारी कर रहे हैं और कल नीतीश सरकार के खिलाफ आंदोलन की बात कह रहे हैं। हम लोग पूरे बिहार से हजारों हजार की संख्या में लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, हम लोग पूरे बिहार से कार्यकर्ता यहाँ आ रहे हैं। यहाँ रहने का, खाने का, पीने का, ठहरने का पूरी व्यवस्था है। झंडा बैनर सब देख रेख करने की पूरी व्यवस्था है और यहाँ लूट, हत्या और बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, डकैती, अपहरण दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रही है और मौजूदा सरकार आँख मूंद करके कान में रुई ना के पड़ी हुई है, कोई सोच नहीं रही है। इसके आक्रोश में हम लोग और हमारे लोजपा रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय चिराग पासवान जी पैदल मार्च हम लोग के साथ करेंगे और उसके खिलाफ में, सरकार के खिलाफ में हम लोग राजभवन जा कर के और उनके ज्ञापन सौंपने का काम करेंगे। इसी के चलते हम लोग एकत्र हो रहे हैं और बिहार के कोने कोने से, हर एक जिले से, हर एक प्रखंड से, हर एक पंचायत से सभी लोग यहाँ आ रहे हैं। हम लोग के जो चिराग पासवान नेता हैं, बिहार बदहाली बिहार के ही नहीं पूरे देश के भविष्य हैं और आने वाला समय यहाँ बिहार की और पूरे भारत की जनता टकटकी लगाई बैठी है कि 16 साल की सरकार निकम्मी सरकार है जो कुछ काम नहीं कर रही है। दिन प्रतिदिन हत्या, लूट, अपहरण, बलात्कार, बेरोजगारी, भ्रष्टाचारी से मुंह दिखाने लायक नहीं है और लोग कहते हैं कि यह हो रहा है, वह हो रहा है, सब झूठ बात है। इसी के चलते हम लोग एकत्र होकर के अपने नेता माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष लोजपा चिराग पासवान जी जो हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास चिराग के, चिराग पासवान जी हमारे माननीय नेता हैं, उनको हाथ मजबूत करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं और खास करके सब विंगों के तो आएंगे ही। हम लेबर सेल के प्रदेश अध्यक्ष हैं राम प्रवेश यादव, लेबर सेल के जितने भी कार्यकर्ता हैं, जितने भी पदाधिकारी हैं, पूरे जिले से, पूरे 3800 बिहार के जिले से, हर एक प्रखंड से, हर एक पंचायत से आने का काम कर रहे हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए बने रहिए एबी न्यूज के साथ। अगर हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।